ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। धोनी दबंग खिलाड़ी हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान का। दबंग सीरीज की अपनी तीसरी फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन के लिए पहुंचे सलमान खान ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी को अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन में बिजी हैं। इस फिल्म में वो एक बार फिर से खाकी वर्दी में नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी क्रेज है। हाल ही में सलमान खान एक स्पोर्ट्स चैनल के प्रोग्राम में अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चल रहे मैच के दौरान इस लाइव शो में उनके साथ एक्टर किच्चा सुदीप भी पहुंचे। कार्यक्रम में जब सलमान से उनके फेवरेट क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं। साथ ही उन्होंने धोनी को दबंग खिलाड़ी करार दिया। इस बातचीत के दौरान सलमान खान ने कहा कि वो केदार जाधव को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। जब सुदीप से इस बारे में पूछा गया तो एक्टर ने इस पर कहा, मेरा फेवरेट प्लेयर वो है जो मैच वाले दिन अच्छा प्रदर्शन करता है। ऐसा आम तौर पर देखने को मिलता है कि मैच खत्म होने के दौरान खिलाड़ी खड़े होते हैं और तालियां बजाकर अपनी टीममेट्स को चीयर करते हैं, ये एक उम्दा बात है। अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में बताते हुए सुदीप ने कहा कि अनिल कुंबले उनके ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर है। साथ ही उन्हें रोहित शर्मा का गेम भी काफी अच्छा लगता है। सलमान के अलावा और भी सेलिब्रिटीज महेंद्र सिंह धोनी की आक्रामक बल्लेबाजी और उनके खेल की भावना की तारीफ कर चुके हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान धोनी वर्ल्ड कप 2019 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से दूर है। उनके क्रिकेट न खेलने से फैंस निराश हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप 2019 को अपना आखिरी वर्ल्ड कप बताया था। क्रिकेट प्रशंसकों को लगा धोनी वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं वर्ल्ड कप 2019 में धोनी पर धीमी बल्लेबाजी करने के आरोप लगे थे। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने धोनी की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए थे। इसके बाद कई और पूर्व खिलाड़ियों ने धोनी की बल्लेबाजी पर सवाल उठाए। ऐसे में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली उनके बचाव में आए। विराट ने कहा कि धोनी ने टीम के जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी की थी। कप्तान कोहली के बचाव करने के बाद भी धोनी की आलोचनाओं का सिलसिला नहीं रुका। सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि धोनी क्रिकेट को कब अलविदा कहेंगे और टीम इंडिया के वेस्टइंडीज दौरे के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया। इन छुट्टियों में उन्होंने भारतीय सेना में अपनी बटालियन में जाकर ट्रेनिंग पूरी की। व्यस्त कार्यक्रम के चलते धोनी अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पा रहे थे। सेना में ट्रेनिंग करने के धोनी के कदम की देश भर में जमकर तारीफ भी हुई और देशभक्ति के इस दौर में धोनी एक बार फिर हीरो बनकर उभरे। ब्यूरो रिपोर्ट।